हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, कंपैरिजन ऑफ वेट। हमें वेट को कंपेयर करना है, ठीक है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, पिछली वीडियो में, कंपैरिजन ऑफ साइज। हमने साइज को कंपेयर किया था, है ना। तो साइज को कंपेयर किया था, तो उसमें साइज हमारे क्या क्या थे। बिग एंड स्मॉल था। बिग यानी कि बड़ा, स्मॉल यानी कि छोटा। ओके, एंड टॉल एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये हमारा था कंपैरिजन ऑफ साइज में। ओके, आज हम लोग को पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ वेट। हमें इसमें क्या पढ़ना हैवी एंड लाइट। इसमें हमें ये पता करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैवी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। क्या होता हैवी मतलब, पता है किसी को? हैवी मतलब होता है भारी, जो वजन में भारी हो, जो वेट में भारी हो, वेट में बहुत ज्यादा हैवी हो, ठीक है। लाइट क्या होता है? लाइट यानी कि हल्का। लाइट यानी कि हल्का, जो वेट में बिल्कुल हल्का हो, बिल्कुल लाइट हो, वजन में बिल्कुल हल्का हो, ठीक है। अभी देखिए, हैवी की स्पेलिंग क्या होती है? HEAVY, HEAVY, एंड लाइट LIGHT। लाइट यानी कि हल्का, हैवी यानी कि भारी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें? अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो पर्सन होंगे। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा हैवी है एंड कौन सा लाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे वेट करके कि कौन सा वेट, किसका वेट ज्यादा है एंड किसका वेट कम है। तो जो जो ज्यादा होगा वेट में, यानी कि वो हमारा हैवी है, ऑब्जेक्ट या पर्सन, और जो कम होगा वो हमारा क्या होगा? हल्का होगा, लाइट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे देखिए, सबसे पहले अपने बुक पे आते हैं। यहां पे है टिक द हैवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट तो ये भी तो है, हमें देखने पे भी पता चल जाता है, हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा है और हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है। कभी कभी हो जाता है, हम लोग देख के पता कर लेंगे, ठीक है। बाकी कभी कभी ये होता है कि हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता, हम लोग जब तक वेट नहीं करेंगे, उसका वजन नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है या लाइट है, ठीक है। हमने आप लोगों को दिया एक, मान लो आप लोगों को दिया एक बॉल एंड एक एप्पल। बॉल मतलब गेंद, एप्पल यानी कि सेब। हमने आप लोगों को दोनों दे दिया, एप्पल एंड बॉल, हमने आपके सामने रखा। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें से हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है और लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आप लोग क्या देख के आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे, पता कर लोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी या लाइट है? नहीं पता कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप लोगों को उसका वेट करना पड़ेगा, उसका वजन करना पड़ेगा। जो वजन में ज्यादा होगा, जो हैवी होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है, क्लियर है। और जो वजन में हमारा कम होगा, यानी कि वो लाइट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? दोनों को पहले तो कंपेयर करेंगे, दोनों का हम वजन करेंगे, दोनों का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, ठीक है। अभी हमने आपके सामने एक बैलून, गुब्बारा दे दिया, और उसके बाद एक मैंने दिया चेयर, कुर्सी। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि बिल्कुल आसानी से हम लोग पता कर लेंगे कि गुब्बारा तो बिल्कुल हल्का होता है वेट में, चेयर काफी हैवी होती है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, टिक द हैवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट। हमें इसमें टिक करना है किस पे? जो कि हैवी ऑब्जेक्ट होगा, जो भारी वजन में भारी होगा, उस वाले वस्तु पे हम लोग क्या करना है? टिक करना है। जो वजन में बिल्कुल कम होगा ना, वो वाले ऑब्जेक्ट पे हमको क्या करना है? हाँ, उस पे हमको क्रॉस करना है। आपको पता है क्रॉस का साइन कैसे होता है?
क्रॉस का साइन, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, दो लाइन होगी, दोनों लाइन को हम लोग आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद क्या है, टिक। टिक के लिए हमारा साइन ये होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे टिक द हैवी ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइट ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट पे टिक करना है जो वजन में हमारा क्या होगा, भारी होगा, जो हैवी होगा उस पर हमको टिक करना है, जो लाइट होगा उस पर हमको क्रॉस करना है। बॉक्स में हमारे दो पिक्चर बने हुए, दोनों पिक्चर हमारे क्या है, एक फ्रूट्स है, एक फ्रूट है, फ्रूट यानी कि फल है ना। तो यहाँ पे एक एप्पल है, एक है वाटरमेलन, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, एप्पल यानी कि सेब। तो वाटरमेलन तो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है ना, एप्पल क्या होता है साइज में थोड़ा छोटा होता है। तो हम लोग तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे पता कर लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है, सॉरी कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है। तो आप लोग बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन सा लाइट है। ओके, एप्पल हमारा क्या है, लाइट है, एंड वाटरमेलन हैवी है। तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उस पर हमको क्या करना था, टिक करना था। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे, और एप्पल के सामने जो बॉक्स है उस पर हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये लाइट ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमारा है कि एक बॉक्स में दो पिक्चर बने हुए हैं, एक है हमारा लेटर और एक है हमारा बुक। बुक मतलब किताब, लेटर की एक चिट्ठी। ठीक है, अब यहाँ में भी तो हम लोग आसानी से देख के पता कर ले रहे ना कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, कौन सा लाइट है, हमें वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बताइए आप लोग कि हैवी ऑब्जेक्ट कौन सा है। ओके, बुक हमारा क्या है, लेटर से हैवी है, और लेटर हमारा है बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल हल्का है। ठीक है, तो ये जो हल्का होगा, जो लाइट होगा उस पर हमको क्या करना था, क्रॉस करना था, और जो हैवी होगा उस पर हमको टिक करना था। नेक्स्ट हमारा बॉक्स में एक केक एंड एक बैलून, बैलून मतलब गुब्बारा, केक मतलब केक। ठीक है, केक हमारा वजन में थोड़ा सा भारी है ना, बैलून हमारा कम है, वजन में थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम है। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा लाइट है ना, और केक हमारा वजन में बिल्कुल भारी है, यानी वो ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है, हैवी ऑब्जेक्ट है। तो हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, लाइट वाले पे हम लोग क्रॉस करना है। उसके बाद है एंट, एंट टर्टल, एक कछुआ और एक चींटी। कछुआ भी साइज में थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एंट से बड़ा होता है, चींटी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो साइज में बड़ा होता है तो इसका मतलब वेट में भी ज़्यादा होगा उससे, वेट में ज़्यादा होगा ना, तो वेट में ज़्यादा है यानी कि हैवी है ये, तो हैवी पे हम लोगों को टिक करना है। और एंट हमारा यानी कि चींटी जो है हल्की है, ये लाइट है, इस पर हमको क्या करना था, क्रॉस करना था। अभी देखिए नेक्स्ट हमारा, कलर द हैवी ऑब्जेक्ट इन ब्राउन एंड लाइट ऑब्जेक्ट इन ग्रीन। हमें कलर करना है, यहाँ पे दो पिक्चर ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, कलर करना है। कौन से ऑब्जेक्ट पे, जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ब्राउन से कलर करेंगे, जो लाइट वेट होगा ना, लाइट वेट लाइट ऑब्जेक्ट होगा उस पर हमको क्या करना है, ग्रीन कलर से उसको कलर करना है। एक है लीफ एंड जैम, जैम जार है। ठीक है, तो ये तो लीफ हमारा क्या है, बिल्कुल लाइट है, जैम, जैम जार हमारा वेट में ज़्यादा होता है ना, हैवी है ऑब्जेक्ट है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्राउन कलर से कलर करेंगे। तो इसको हम लोग ब्राउन कलर से कलर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे। ये हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आया, हैवी ऑब्जेक्ट एंड लाइट ऑब्जेक्ट हमको क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट को पहले दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है और कौन सा लाइट है। उसके लिए हम लोग कब आसानी से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि जैसे जब हमारा वज़न में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो, ठीक है, साइज़ में उससे बड़ा हो,
वजन में उससे ज़्यादा हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट हैवी है, पर्सन हैवी है, लाइट हो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा हल्का हो, पर्सन हमारा हल्का हो, साइज हमारी छोटी हो, वो हमारा ऑब्जेक्ट और पर्सन हमारा क्या है, बिल्कुल हल्का है। कभी कभी हम लोग आसानी से देख के फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हल्का है यानी लाइट है और हैवी है। और कभी कभी हमको ज़्यादातर हमको जब तक हम वेट नहीं करेंगे ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा हैवी है या लाइट है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर्स में हमें देखने पे आसानी से पता चल जा रहा ना कि हैवी हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, लाइट ऑब्जेक्ट कौन सा है। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और बेहतर बनाएंगे इसको, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी इससे रिलेटेड आपको हैवी और लाइट से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।